रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस सरूज मसूर एंड वी आर गोइंग टू टेक आवर इंग्लिश लेसन। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 27 एंड वी विल रीड इन दिस लेक्चर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन दैट वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस लेक्चर, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। I've already told you that this lesson has been written by O. Henry. Students, first of all, we will have a review of this lesson. We will see in this lesson that first of all, we will see the review of this lesson. We have read that this was eve of Christmas and Della wanted to buy a gift for her husband Jim. She had only $1.87 to buy a gift for her. She had beautiful brown hair, so she sold her beautiful brown hair in $20 to get money to buy a gift for him. She purchased a gold watch chain for Jim's watch, which he had got from his father's father. So, students, we will start our lesson. We left in the center of the page. Within 40 minutes, her hair looked a little better. Within 40 minutes, her head looked a little better. तकरीबन 40 मिनट बाद उसका सर कदरे बेहतर दिखाई देने लगा. With her short hair, she looked wonderfully like a school boy. अपने छोटे बालों के साथ वो हैरत अंगेज हद तक किसी स्कूल के लड़के के जैसे दिखाई दे रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी देर तक खड़ी खुद को आईने में देखती रही। लुकिंग ग्लास, स्टूडेंट, सिनोनिम्स ऑफ लुकिंग ग्लास आर मिरर, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आईना। शीशे में, आईने में काफ़ी देर तक खुद को देखती रही। इफ़ जिम डजंट लाइक मी, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा, अगर मैं जिम को पसंद ना आई, बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकेंड टाइम, तो दूसरी बार देखने से पहले मेरी तरफ, ही विल से आई लुक लाइक अ गर्ल, वो कहेगा कि मैं उस लड़की की तरह दिखाई देती हूँ, हु वर्क्स फॉर मनी, जो पैसों की खातिर काम करती है। बट कुड आई डू, ओह क्या, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ, ओह वट कुड आई डू विद अ डॉलर एंड 87 सेंट्स, लेकिन मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी। एट 7 जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम, 7 बजे जिम का खाना तैयार था। स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के बाद वो काफ़ी बेहतर तक उसका सर दिखाई देने लगा। अपने छोटे बालों के साथ वो की हैरत अंगेज हद तक किसी स्कूल के लड़के के जैसे दिखाई दे रही थी। वो काफ़ी देर तक खड़ी खुद को आईने में देखती रही। अगर मैं जिम को पसंद ना आई, उसने खुद से कहा, तो दूसरी बार देखने से पहले वो मेरी तरफ, वो ये कहेगा कि मैं उस लड़की की तरह दिखाई दे रही हूँ, जो पैसों की खातिर काम करती है, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी। 7 बजे जिम का खाना तैयार था। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी ताहिर से नहीं आता था। डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड, डेला ने घड़ी की जंजीर को अपने हाथों में पकड़ लिया। एंड सेट नियर द डोर, और दरवाजे के नज़दीक बैठ गई। वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड, जहाँ से वो हमेशा घर में दाखिल होता था। देन शी हर्ड हिज स्टेप्स इन द हॉल, फिर उसको उसके कदमों की आवाज़ हॉल में सुनाई दी। स्टेप्स, फुट स्टेप्स, ट्रेड, ट्रैम, उसके चलने की आवाज़ हॉल में सुनाई दी। एंड हर फेस लॉस्ट कलर फॉर अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। लॉस्ट कलर, ग्रू पेल, टर्न वाइट, एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। शी ऑफन सेड लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली, वो अक्सर छोटी दुआएँ खामोशी से पढ़ती थी। Quietly, softly, in a whisper, in a low voice, about simple everyday thing, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में वो छोटी छोटी दुआएँ खामोशी से पढ़ती थी। And now she said, और अब उसने कहा, please God make him think I'm still pretty, ए खुदा उसको ये समझा दो कि I'm still pretty,
अट्रैक्टिव, लवली, ब्यूटीफुल, कमली कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। जिम कभी भी ताहिर से नहीं आता था। डेला घड़ी की जंजीर को अपने हाथ में पकड़कर दरवाजे के नज़दीक बैठ गई जहाँ से वो हमेशा दाखिल होता था। फिर उसने उसके कदमों की चाप हाल में सुनी और एक लम्हे के लिए उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। वो अक्सर रोज़मर्रा के मामलात के मुतालिक छोटी छोटी दुआएं पढ़ती थी और अब उसने कहा, ए खुदा मेहरबानी उसको समझा दो कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। द डोर ओपन्ड एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाज़ा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ। ही लुक्ड वेरी थिन, वो बहुत थिन वीक, वो बहुत दुबला पतला दिखाई देता था। एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा नहीं रहा था। पुअर फेलो, बेचारा, ही वॉज ओनली 22, वो सिर्फ 22 साल का था। एंड विद फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसको पूरे कुंबे की कफालत करनी थी। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसको एक नए कोट की ज़रूरत थी। एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, और उसके पास अपने सर्द हाथों को ढांपने के लिए कुछ भी नहीं था। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर आकर रुक गया। ही वॉज एज क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग, वो इतना खामोश था जितना कि एक शिकारी कुत्ता हो। व्हेन इट इज़ नियर अ बर्ड, जब वो अपने शिकार के नज़दीक होता है, वो एक शिकारी कुत्ते के तरह जो कि अपने शिकार के नज़दीक हो खामोश था। हिज आइज़ लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, उसने हैरानगी से डेला की तरफ देखा। स्ट्रेंजली, ओडली, पेक्यूलियरली, अनयूजुअली, एबनॉर्मली, उसने हैरानगी से डेला की तरफ देखा। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम, उनमें एक तासुर था। एक्सप्रेशन, इंडिकेशन, साइन, सिम्टम, मार्क, इन दैम दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो समझ ना पाई। उसने डेला की तरफ हैरानगी से, हैरत से देखा, जिनमें एक तासुर था जिसको वो समझ ना पाई। इट फिल्ड हर विद फियर, उसके दिल में खौफ आ गया। इट वॉज नॉट एंगर नॉर सरप्राइज, ये ना ही नाराज़गी थी, ना ही हैरानी थी, नॉर एनीथिंग एल्स, और ना ही इसके सिवा कुछ था। शी हैड बिन रेडी फॉर, जिसके लिए वो तैयार थी। ये ना ही नाराज़गी, ना ही गुस्सा, और ना ही कुछ ऐसा था जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार थी। ही सिंपली लुक्ड एट हर विद द स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसने कदरे हैरानगी के तासुर के साथ उसको देखा। डेला वेंट टू हिम, डेला उसके नज़दीक गई। स्टूडेंट्स, आई विल रीड द ट्रांसलेशन। दरवाज़ा खुला और जिम अंदर आया। वो काफ़ी दुबला दिखाई देता था और वो मुस्कुरा ना रहा था। बेचारा सिर्फ 22 साल का था और उसको पूरे कुंबे की कफालत करना थी। उसको एक नए कोट की ज़रूरत थी और सर्द हाथों को ढांपने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जिम दरवाजे के अंदर आकर रुक गया। वो एक शिकारी कुत्ते की मानिंद बिल्कुल खामोश, जब वो अपने शिकार के नज़दीक हो खामोश था। उसकी निगाहों ने डेला को हैरानगी से देखा, जिनमें एक तासुर था जिसको वो बिल्कुल समझ ना पाई। इस बात ने उसको खौफजदा कर दिया। ना ही वो नाराज़गी थी, ना ही हैरानी, और ना ही कुछ ऐसा जिसके लिए वो तैयार थी। उसने कदरे हैरानगी के तासुर के साथ उसके चेहरे की तरफ देखा। डेला वेंट टू हिम, डेला उसके नज़दीक गई। जिम डियर, प्यारे जिम, शी क्राइड, वो बोली, वो चिल्लाई, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटवा दिए और उनको बेच दिया। आई कुडेंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, मैं किस क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा दिए बिना नहीं रह सकती थी। माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल दोबारा से भर जाएंगे। यू वॉन्ट केयर, विल यू, तुम परेशान ना हो। माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इट्स क्रिसमस, ये क्रिसमस है जिम, लेट्स बी हैप्पी, चलो खुश हो जाओ। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू, तुम नहीं जानते कि मैंने कितना उम्दा, कितना खूबसूरत तोहफा तुम्हारे लिए खरीदा है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए, आस्क जिम स्लोली, जिम ने आहिस्तगी से पूछा। ही सीम टू लेबर, लेबर कोशिश करना, मुश्किल पेश आना, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन, उसको इस बात को समझने में मुश्किल आ रही थी कि क्या हो गया था। लेबर, सिनोनिम्स ऑफ लेबर आर स्ट्राइव, स्ट्रगल, एंडेवर, वर्क।
ही सीम नॉट टू फील श्योर ही न्यू, जो हुआ था वो उसके मुतालिक यकीन करता दिखाई ना देता था। स्टूडेंट्स आई विल रीड ट्रांसलेशन। डेला उसके नज़दीक गई, डेला उसके पास गई। प्यारे जेम, वो बोली, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा दिए और बेच दिए, मैं क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा दिए बिना नहीं रह सकती थी, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तुम परेशान नहीं हो, मेरे बाल तेज़ी से बढ़ जाते हैं, क्रिसमस है जिम, चलो खुश हो जाओ, मैं तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा उम्दा तोहफा ख़रीदा है। जिम ने उससे आहिस्तगी से पूछा, तुमने अपने बाल कटवा दिए? वो इस बात को समझने में उसको मुश्किल पेश आ रही थी, जो हो गया था वो उसके मुतालिक यकीन करता दिखाई ना देता था। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला। डेला ने जवाब दिया, डेला ने कहा, कटवा दिए और बेच दिए। डोंट यू लाइक मी? नो, आई एम मी जिम। क्या अब तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? मैं ही हूँ जिम, आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, मैं अपने बालों के बिना भी वैसी ही हूँ। जिम लुक्ड अराउंड द रूम। जिम ने कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड, उसने कहा, तुमने कहा तुम्हारे बाल चले गए। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, सेड डेला, तुम्हें उनको तलाश करने की ज़रूरत नहीं। डेला ने जवाब दिया, इट्स सोल्ड, ये बिक गए, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सोल्ड एंड गॉन टू, चले गए और बिक गए, इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय, ये क्रिसमस से पहले की रात है लड़के, बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा सलूक करो, बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने इन्हें तुम्हारी खातिर बेचा है। मे बी द हेयर ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, हो सकता है कि मेरे सिर के बालों को गिना जा सके, शी सेड, उसने कहा, बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, रिगार्ड रिस्पेक्ट, लेकिन जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत है उसको कोई नहीं गिन सकता। शैल वी ईट डिनर जिम, क्या हम खाना खाएं जिम? जिम फोल्डेड हिज आर्म बिफोर हिम। जिम ने अपने बाजुओं को अपने गिर्द बांधा। फॉर 10 seconds लेट्स लुक इन एन अदर डायरेक्शन, चलो किसी और तरह से देखते हैं 10 seconds के लिए। डायरेक्शन वे साइड कोर्स लाइन, चलो 10 seconds के लिए किसी और तरह से देखते हैं। $8 a week और $1,000,000 a year, $8 हफ्ते के या $100,000 साल के। हाउ डिफरेंट आर दे, वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं। समवन मे गिव यू एन आंसर, हो सकता है कि इस बात का कोई जवाब आपको दे पाए। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन सून। द मेजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, मेजाई कीमती तोहफे लेकर आए, बट दैट वॉज नॉट अमंग दैम, लेकिन वैसा तोहफा उनमें नहीं था। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन सून, तुम्हें जल्द ही मेरी बात की समझ आ जाएगी। एक्सप्लेन वाजे हो जाएगी, डिस्क्राइब डिफाइन इंटरप्रेट क्लेरिफाई, जल्द ही तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स आई विल नाउ रीड द ट्रांसलेशन। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, कटवा दिए और बेच दिए। डेला ने कहा, क्या मैं अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैं ही हूँ जिम, मैं अपने बालों के बिना भी वैसी ही हूँ। जिम ने कमरे में इधर उधर देखा, उसने कहा, तुम्हारे बाल चले गए। उस डेला ने जवाब दिया, तुम्हें उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मैंने कटवा दिए और बेच दिए, और ये क्रिसमस से पहले की रात है लड़के, तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करो, मैंने उन्हें तुम्हारी खातिर बेचा है। मेरे बाल हो सकता है कि कोई उनको गिन पाए, मेरे बाल हो सकता है कि गिने जा सकते हैं, डेला ने जवाब दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत को कोई भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। क्या हम खाना खाएं जिम? जिम ने अपने बाजू अपने गिर्द बांधे। चलो 10 seconds के लिए किसी और तरह से देखते हैं, हफ्ते के $8 या साल के $100,000, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है कि कोई इस बात का जवाब दे, लेकिन वो जवाब गलत होगा। मैं जाए कीमती तहाइफ लेकर आए, लेकिन इस जैसा तोहफा उनमें नहीं था। मेरी बात अभी तुम्हें जल्द ही वाजे हो जाएगी। फ्रॉम इन साइड हिज कोट, कोट की अंदरूनी जेब से जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, जिम ने कुछ चीज़ कागज़ में लिपटी हुई निकाली। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, और उसने उसको मेज़ पर फेंक दिया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेला, ही सेड, उसने कहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझ पाओ। नथिंग लाइक अ हेयर कुड कट मेक मी केयरलेस फॉर यू। बाल कटवा देने जैसी चीज़ मुझे तुमसे बेजार नहीं कर सकती। केयरलेस, इनअटेंटिव, अनथिंकिंग, अनफॉरगेटफुल। बाल कटवा देने जैसी चीज़ मुझे तुमसे बेजार नहीं कर सकती। बट इफ़ यू विल ओपन दैट, लेकिन अगर तुम इसको खोलोगी, यू मे नो वट आई फेल्ट वेन आई केम इन, तो तुम समझ जाओगी कि मैंने कैसा महसूस किया जब मैं घर में दाखिल हुआ था। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर। पुल्ड ऑफ, रिमूव, डिटैच, टीयर ऑफ, रिप ऑफ। सफ़ेद उंगलियों ने कागज़ को खींच कर उतारा। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, और अगले ही लम्हे खुशी की चीख। एंड देन अ चेंज टू टीयर्स, जो कि आंसुओं में तब्दील हो गई। फॉर देयर ले द कॉम्स, क्योंकि वहाँ कंघियाँ पड़ी थीं। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन द शॉप विंडो, जो कि डेला ने एक दुकान में देखी थी। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसे वो बहुत अरसे से पसंद थी। ब्यूटीफुल कॉम्स, खूबसूरत कंघियाँ, विद ज्यूल्स, परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, जवाहरात से मुरस्सा और उसके खूबसूरत बालों के लिए बहुत उम्दा थी, नहायत मौजू थी। शी सेड नो दैट दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, वो जानती थी कि वो उसकी ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओइंग देम, ओइंग पोजेस देम, कीप देम, और उसने उनको बहुत ही कम ज़र्रा भर उम्मीद के साथ कि वो उसकी होंगी देखा था। एंड नो देवर हर्स, लेकिन अब वो उसकी थी। बट हर हेयर वॉज गॉन, लेकिन उसके बाल चले गए थे। स्टूडेंट्स, आई विल रीड ट्रांसलेशन। जिम ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से कागज़ में लिपटा कुछ निकाला और उसने उसको मेज पर फेंक दिया। डेला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझ पाओ। बाल कटवा देने जैसी कोई भी चीज़ मुझे तुमसे बेजार नहीं कर सकती, लेकिन जब तुम इनको खोलोगी, तुम समझ जाओगी कि जब मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने कैसा महसूस किया। सफ़ेद उंगलियों ने कागज़ को खींचकर उतारा और अगले ही लम्हे एक खुशी की चीख, जो कि आंसुओं में तब्दील हो गई, क्योंकि वहाँ कंघियाँ पड़ी थीं, जो वो खूबसूरत कंघियाँ जो कि डेला ने एक काफ़ी अरसा से एक दुकान की में देखी थी। खूबसूरत कंघियाँ, जवाहरा से मुरस्सा, उसके बालों के लिए नहायत उम्दा थीं। वो जानती थी कि वो उसकी ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं, और उसने ज़र्रा भर उम्मीद करते हुए कि वो उसकी होंगी उनको देखा था। अब वो उसकी थी, लेकिन उसके बाल जा चुके थे। बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट, लेकिन उसने उन्हें अपने दिल से लगाया। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, वॉज एबल टू लुक अप, ऊपर देखने के काबिल हुई। एंड से, और कहा, माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं जिम। एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, और फिर अचानक से वो उछली और बोली, ओह ओ, जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटिफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, उसने हाथ खोलकर उसके सामने रख दिया। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, सॉफ्टली, जेंटली, डेलिकेटली, टेंडरली, वार्मली, उसकी चमक, सुनहरी चमक, एज इफ विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट। वार्म, सिनोनिम्स ऑफ वार्म आर काइंड, फ्रेंडली, एमिएबल, कॉर्डियल, एंड स्पिरिट, लाइवलीनेस, इंथ्यूजियाज़म, पैशन, उसकी गर्मजोशी और मोहब्बत से चमकने लगी। इजंट इट परफेक्ट जिम, क्या ये बहुत उम्दा नहीं जिम। आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने पूरे कस्बे में हंटेड इट, इसको ढूंढा, सर्च फॉर, लुक फॉर, सी, ट्राई, मैंने पूरे कस्बे में इसको ढूंढकर तलाश किया। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times अ डे नाउ, अब तुम अपनी घड़ी पर 100 times, 100 बार वक्त को देख पाओगे। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर, मैं देखना चाहती हूँ कि वो इकट्ठे कैसे दिखाई देते हैं। डेला, जिम सैट डाउन एंड स्माइल, जिम बैठ गया और मुस्कुराया। स्टूडेंट, आई विल जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट, उसने उनको अपने दिल के साथ लगाया, और थोड़ी देर बाद ऊपर देखने के काबिल हुई और कहा, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं जिम, और अचानक से वो उछली और बोली, ओह ओ, जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था,
उसने हाथ बढ़ाकर हाथ खोलकर उसके सामने उसको रख दिया। वो उसकी सुनहरी चमक उसकी डेला की मोहब्बत और गर्मजोशी से मज़ीद चमकने लगी। ये जिम के लिए बहुत उम्दा था। मैंने इसको पूरे कस्बे में ढूंढकर तलाश किया। अब तुम अपनी घड़ी पर 100 से ज़्यादा एक दिन में वक्त देख पाओगे। और गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो ताकि मैं देखूं कि वो दोनों इकट्ठे कैसे दिखाई देते हैं। जिम सैट डाउन एंड स्माइल, जिम बैठ गया और मुस्कुराया। डेला सेड ही, उसने कहा, लेट्स पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट्स अवे एंड कीप देम अ वाइल, चलो अपने क्रिसमस के तहाइफ को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज नाउ, वो इतने अच्छे हैं कि अब उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय द गिफ्ट, मैंने घड़ी को बेच दिया कंघियों की कीमत खरीदने के लिए, कंघियों की कीमत लेने के लिए मैंने घड़ी को बेच दिया। एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव आवर डिनर, और अब मेरा ख्याल है कि हमें अपना शाम का खाना खाना चाहिए। द मेजाए, एज यू नो वर वाइज मैन, आप जानते हैं कि मेजाए बहुत ज़हीन लोग थे। वंडरफुली वाइज मैन, हैरान कुन हद तक ज़हीन लोग थे। हु ब्रॉड गिफ्ट टू द न्यू बॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड, जो कि पैदा हुए नौ मौलूद बच्चे हज़रत ईसा के लिए तहाइफ लेकर आए। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स, वो पहले लोग थे जिन्होंने क्रिसमस के मौके पर तोहफे दिए। बींग वाइज देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेसली वाइज वन, डाउटलेसली सर्टेनली श्योरली अनडाउटेडली, बिलाशुबा उनके तोहफे जहीन होने की वजह से, दानिशमंद होने की वजह से पुरस हिकमत थे। एंड हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन हु वर नॉट वाइज, मैंने आपको दो बच्चों की कहानी सुनाई जो कि दानिशमंद नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ही ऑन इन ऑर्डर टू बाय अ गिफ्ट फॉर द अदर, हर किसी ने अपना कीमती तोहफा दूसरे की खातिर तोहफा लेने के लिए बेच दिया। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज, लेकिन मुझे आज के दानिशमंदों से एक बात करनी है। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तहाइफ देते हैं, दोज टू वर द वाइजेस्ट, ये दोनों उन सब में से ज़्यादा दानिशमंद थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तहाइफ देते और लेते हैं, सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, वो उनकी तरह ही अकलमंद हैं, दानिशमंद हैं। एवरी वेयर दे आर द वाइजेस्ट वन, वो हर जगह ही दानिशमंद लोग हैं। दे आर द मेजाए, वो मेजाए हैं। स्टूडेंट आई विल रीड द ट्रांसलेशन। डेला ने कहा, अपने तहाइफ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्योंकि अब वो इतने अच्छे हैं कि हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने कंघियाँ खरीदने के लिए घड़ी को बेच दिया और अब मेरा ख्याल है कि हमें अपना शाम का खाना खाना चाहिए। मेजाए, जैसा कि आप जानते हैं, दानिशमंद लोग थे, हैरान कुन हद तक दानिशमंद लोग, जो कि नौ मौलूद हज़रत ईसा के लिए तहाइफ लेकर आए। वो पहले लोग थे जिन्होंने क्रिसमस पर तहाइफ दिए और दानिशमंद होने की वजह से उनके तहाइफ पुर अस हिकमत थे। और मैंने आपको उन दो बच्चों की कहानी सुनाई जो कि दानिशमंद नहीं थे, लेकिन हर किसी ने अपना जो कि कीमती तोहफा, जो कि उसके पास कीमती चीज़ थी, दूसरे की खातिर तोहफा लेने के लिए बेच दिया। लेकिन मुझे आज के दानिशमंद लोगों से ये बात कहनी है कि वो तमाम लोग जो तहाइफ देते हैं उनमें से ये दोनों दानिशमंद थे, और तमाम लोग जो तहाइफ खरीद देते और लेते हैं वो भी इन्हीं की तरह दानिशमंद हैं, और वो हर जगह दानिशमंद लोग हैं, वो मेजाए हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर ट्रांसलेशन एंड वी हैव सीन द सिनोनिम्स ऑफ दिस लेसन टू। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। देयर इज, चूज द करेक्ट आंसर। James Dillingham Youngs had two valuable things. There are four options: a house and a car, a necklace and a block, TV and VCR, James Gold Watch and Della's Hair. The correct answer is James Gold Watch and Della's Hair. Statement number 2, Della's hair was more beautiful than any. Answer is Queen's jewels and gifts. Della's hair reached below her. Options are neck, back, feet, knees. Answer is knees.
down fell the brown waterfall means options. The stream flowed down. The brown waterfall fell down. Della's hair fell down. The brown water fell down. Answer is Della's hair fell down. What did she buy for Jim? Options are a watch, a gold watch chain, a necktie, a shirt. And the answer is a gold watch chain. Statement number 6. What was common in Jim and the watch chain? Quietness and value. With her short hair, she looked wonderfully like a options young girl, schoolboy, tame, woman. Answer is schoolboy. Next, what did Della pray? Answer is, may he think her still pretty. No one can count Della's options, feelings, love, hair, jewels. And answer is feelings. Jim bought a gift of a watch, shoes, clips, the combs. Jim bought a gift of the combs. There is question number 2. Mark the sentence true or false. The gold watch belonged to Jim's father. This is true statement. Jim knew that no king had anything so valuable as the gold watch. This is true statement. Della sold her hair for $20. This is also true. For 3 hours, she seemed to fly from shop to shop to find a gift. It's false. She could not do anything with $1.87. This is true. Jim took his dinner at 8. Jim took his dinner at 8. False. At 7. Jim was paid $20 a week. No, Jim was paid $8 a week. It's false statement. Both couldn't live through Christmas without exchanging gifts. True. She refused to have the gifts of the comb. She refused to have the gifts of the comb. False. The gifts were too nice to use on Christmas. This is true. Ab wo itne acche the ke wo unko istemal nahi kar sakte the. Now, we will see the question answer. The first question, how much did she save for Christmas? Answer is, she could save only $1.87. Question number 2, why did she feel proud in the beauty of her hair? Della's hair looked like falling stream of brown water. It reached below her knees. It almost made itself into a dress for her. She felt pride in the beauty of her hair. Question number 3. Why did she sell her hair? Answer. She sold her hair to get money to buy a gift for her husband at Christmas. Question number 4. Why did Jim sell the gold watch? Answer is, Jim sold his gold watch to get money to buy a gift for his wife at Christmas. Question number 5. Why did they want to exchange the gift? Answer is, they wanted to exchange gifts to show how eagerly they loved each other and couldn't be happy without giving gifts to each other. Question number 6. Why did she feel sad on losing her hair? Answer is, she had beautiful long brown hair down to knees. She felt sad about losing them. She feared that her Jim might hate her without her hair. Question number 7. Why did Jim not welcome her when he stepped in? Answer. Jim couldn't welcome her because he was shocked as he saw Della without her long hair, beautiful hair. He had bought combs as a gift for her, but her hair had gone. Question number 8. What did he bring out of his coat? From the pocket of his coat, he took something out tied in a paper. They were beautiful combs for Della. Question number 9. How beautiful was the gold watch chain? It was plain and simple. It had quietness and value. Its value was in its rich and pure material. Its gold seemed to shine softly like the warm feeling of Della. Question number 10. What was the wisdom in selling the most valuable things? Answer is, both the lovers wanted to give a gift to each other, but both didn't have money to buy a gift for each other. They wisely sold the most precious thing which they owned to buy
gifts. So students, we have gone through the question answer, we have gone through the exercise of this lesson. Students, your assignment will be that you will learn translation and synonyms of this lesson and practice question answer, and we'll see the exercise MCQs and true and false statement. So students, this is the end of our lesson. We'll see you in the next lecture. Inshallah, Allah Hafiz.